नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अब जो कोसली विधानसभा है उसके अंदर इलेक्शन कैसे हुआ है, इसी बात पे चर्चा के लिए हमारे साथ में जयप्रकाश जी मौजूद हैं, जिन्होंने कि अपनी आंखों से पूरा इलेक्शन इनके गांव में होते हुए देखा है और क्या क्या इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, कैसे कैसे जबरदस्ती वोट डलवाए गए हैं या फिर लोगों पर किस प्रकार के दबाव इस इलेक्शन में बनाए गए हैं, कैसा इलेक्शन ये रहा है वो ये बताएंगे। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब जी, भाई साहब आप ये बताएं कि आपने तो आंखों से इलेक्शन देखा अपने गांव में भी होते हुए, आपका गांव कौन सा पहले ये बताएं। मेरा गांव है जी कृष्ण नगर लुल्ला अहिर जी। आपके गाँव का क्या माहौल था इलेक्शन से दो दिन पहले और इलेक्शन वाले दिन? मेरे गाँव में जी दो बूथ है, 95 नंबर और 96 नंबर जी। हमारे गाँव में बीजेपी का 80% माहौल था जी। जी बहुत बहुत अच्छा माहौल था। और हमारे गांव में रीटा शर्मा जी आई थी तो गांव ने एक तरफा उनका बहुत ऐसा स्वागत किया कि जैसे जीत के बाद कोई कैंडिडेट आता है। लेकिन ये जो हमारे जो कांग्रेस के जो दलाल है ना, उनको ये बात हजम नहीं हुई। और उन्होंने जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को धमकाना शुरू कर दिया, उनके पास फोन करना शुरू कर दिया, उनको उनके घरों में जाके हुक्का पी रहे, तो किसी की चिलम पे हाथ टिकवा रहे हैं, किसी को पानी का हाथ गिलास हाथ में दे रहे हैं, किसी के पोता पोतियों पे हाथ टिकवा रहे हैं कि नाम से उनको कसम दे रहे हैं कि नाम से की बीजेपी को वोट समर्थक मत करो आप, कांग्रेस को जल उठवा रहे हैं, कसम खुआ रहे हैं उनको, ऐसे कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये इलेक्शन तो एक ऐसा इलेक्शन बना दिया जैसे एक गांव के जो सरपंची का और पंची का इलेक्शन होता है ना जी, जी उससे भी नीचे के सत्र का इलेक्शन बना दिया। बिल्कुल ऐसा इलेक्शन बना दिया कि घर घर जाके उनका ये कहना था कि भाई कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा खड़े नहीं हो रहा, हम खड़े हो रहे, हमें वोट दो आप जी। बोला अरविंद शर्मा को आप नहीं जानते हो, बोला आप दीपेंद्र हुड्डा को हम जानते हैं, हम आपको ले जाएंगे, आपके किसी का पोता था या किसी का बेटा था, उनको कह रहे हैं कि आपके पोते को हम लगवाएंगे, कोई कह रहा है किसी का बेटे को लगवाएंगे। नौकरी का प्रलोभन दिया गया कि हम आपके बेटे को पोते को नौकरी लगवाएंगे और जी गाँव में ये करवाएंगे। और जो हमारे हरिजन भाई थे उनको ये लोग दिया कि आपको 100-100 गज के प्लाट दिलाएंगे, आपका संविधान खतरे में है, उनको इतना पकड़ा दिया कि वो बेचारे मजबूर हो गए। कोई धंधे वाला आदमी था जैसे कोई बेचारा काम करने वाला है, कोई किसी धंधे का वाला आदमी है, कोई दुकानदार है या कोई है, तो उसके दुकानदार है तो उसको कह रहे हैं कि आपके नाम से अगर आप बीजेपी का समर्थन करोगे तो आपके धंधे पे आपको के नाम से नौबत आएगी, आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, आपके नाम से इसको छोड़ दो, के नाम से आप प्रचार मत करो, आप किसी के साथ मत जाओ, किसी को कहो मत कुछ भी, और के नाम से आप कांग्रेस का साथ दो। इतना प्रेशर बनाया लोगों के पास। मेरे पास खुद, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास खुद फोन आया रात को 10:04। मैं वैसे तो सोच लेता चलो यार, मैंने सोचा कि हो सकता है भाई लोग बाग झूठ बोलते होंगे, लेकिन मेरे पास खुद 10:04 पे फोन आया और मेरे पास फोन करने के बाद ये कहा गया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस फोन की जी। उन्होंने ये कहा कि नाम से बोले जी आप ना भाई साहब आप कांग्रेस का साथ दो, बीजेपी का साथ मत दो, कांग्रेस इतने अच्छे काम करे, फलाना करा दिखड़ा करा, और आपके जी आपका लड़का भी आपका देखो हो गया है, उसको भी आगे नौकरी की जरूरत पड़ेगी, उसको हम कहेंगे कि नाम से दीपेंद्र साहब को आपको मिलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बोले भाई ऐसा है आके दीपेंद्र हुड्डा ने कोई काम नहीं किया हमारे हल्के में। बोला जी हमारे हल्के में रिजल्ट सेंटर बनाया, ये बनाया, रिजल्ट सेंटर बनाया, ये सरपंच की मेहनत थी। अच्छा, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है जो गांव के अंदर घूम रहे थे, मतलब क्या जो मैं जिनको ठेकेदार बोल रहा हूँ वैसे टाइप के सरपंच वगैरह कौन थे? ये थे जी गांव में जो घूम रहे थे, ये थे जी के नाम से कांग्रेस के ठेकेदार जी, जिन्होंने कांग्रेस से पिछली योजना में जब 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 2019 में चुनाव के दौरान इन्होंने पैसे लिए है के नाम से कांग्रेस से, और कांग्रेस में पैसे लिए, गांव में बुरी तरह से कांग्रेस की हार हो गई जी। अब उनके ऊपर दबाव आया है कि नाम से कि यार तुमने पिछली बार हरवा दिया तो अब की बार के नाम से इन्होंने फिर पैसे लिए हैं, अब ये दलाल थे तो ये तो के नाम से अपना काम तो करेंगे। नहीं ये है कौन, सरपंच वगैरह हैं कौन हैं? बिल्कुल जी सरपंच गांव के, फिलहाल 4-4 सरपंच गांव के। अच्छा जी, मतलब पूरा उसके पूरा वर्तमान सब सारे मिला के? हाँ जी सारे सरपंच, सारे सरपंच। और जी 2014 में जो इलेक्शन हुआ था के नाम से विधानसभा का, उसमें मायावती के जो हाथी का निशान था उसकी पार्टी से जो चुनाव लड़ा था के नाम से विधानसभा का, उसका एक कैंडिडेट जी जो अभी कांग्रेस में विलय हो गया उसका जी, एक आम आदमी पार्टी का जिला का कोई जिला का अपने आप को बताता है, जिला पदाधिकारी बताता है के नाम से, वो जो है वो कांग्रेस में आ गया। और जी 4-4 सरपंच
जी और जी कोई कोई सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जी मास्टर से लेके और सभी डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी खुल के साथ दे रहे हैं के नाम से कांग्रेस का, अच्छा, लोगों पे तो दबाव पहले भी बनाया गया है और क्या शराब वगैरह भी वितरित हुई है? 24 तारीख को रात को जी के नाम से, 24 तारीख को रात को के नाम से गांव में उन्होंने बार लगाया है, अच्छा। शराब पिलाई है लोगों को, शराब पिलाई है लोगों को, लोगों को कसम दिलाई है के नाम से, लोगों को बहलाया, फुसकाला है बहुत ज्यादा के नाम से, प्रेशर डाला है लोगों के ऊपर। अब ये एक ऐसा चुनाव है अमित अमन जी, ऐसा चुनाव है कि इसमें तो ओपन लिया है के नाम से, इसमें तो ये देखा जाता है भाई हमारा भाई प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन इन्होंने तो इसको खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने प्रधानमंत्री का तो ये नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा कौन, लेकिन इनका कहना ये था कि हमें तो दीपेंद्र हुड्डा को जिताना है, दीपेंद्र हुड्डा को जिताना है, बस इनका एक ही मकसद था कि हमें तो दीपेंद्र हुड्डा को जिताना है। अच्छा, इन्होंने कहा कि नौकरी दिलवा देंगे आपको, ये दिलवा देंगे, क्या आप लोगों ने पूछा नहीं कि कैसे दिलवाओगे नौकरी भाई, किनके हाथ में नौकरी कैसे है? मेरे पास ही रात को फोन आया, बोले ये लोगों ने मेरे से, दिन में जब मैं वोट डालने के लिए गया, वोट डालने के लिए वहां मैं बूथ एजेंट था, तो मैंने पूछा मुख यार के नाम से, भाइयों क्या बात है यार आप तो दूर दूर जा रहे हो, बोले भाई रात को इन्होंने हमारे पर प्रेशर डाल दिया, इन्होंने कहा कि भाई आप धंधा कर रहे हो, आपके धंधे पे नुकसान हो जाएगा, आप ऐसा मत करो, आप बीजेपी का समर्थन मत करो, आप कांग्रेस का समर्थन करो, भाई आपके बच्चे भी जवान हो गए, भाई बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देगी, हम कांग्रेस सरकार आएगी तो आपको नौकरी दिलाएंगे के नाम से, बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देगी आपको, आपके नौकरी बच्चे कैसे बेरोजगार रह दिलवाएंगे ये नहीं जाएंगे। बताया। नहीं इन्होंने ये नहीं बताया कि बस इन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब आ जाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी खूब, अच्छा, इन्होंने हाँ इन्होंने कहा कि अगर हुड्डा साहब आ जाते हैं तो हुड्डा साहब आएंगे तो हम आपको खूब नौकरियां दिलाएंगे के नाम से, मतलब तो इनका यही था। जी। बोलिए जी बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये चुनाव कम से कम एक चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें आप अपनी मर्जी की वोट डाल सकते हैं, बाकी बिल्कुल चुनाव में तो किसी प्रकार का दबाव या कैसे भी गांव का सरपंच का चुनाव होता है वो अलग तरीके से होता है, तो फिर आप वोट बिल्कुल कब डालेंगे, अपनी मर्जी का वोट कब डाल पाएंगे या गांव वाले अपनी देखो मर्जी का जी, वोट कब डालेंगे? देखो जी ऐसा है कि हमने, मैं बीजेपी का के नाम से सपोर्टर हूं, मैं बीजेपी का के नाम सपोर्टर हूं, मैंने गांव में किसी आदमी को भी ये नहीं कहा के नाम से भी आप, मैंने ये कहा कि राष्ट्र हित में वोट डालो आप, भाई जो आपको लगे राष्ट्र हित में वोट डालोगा आप, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे तो उसको देखते हुए आप राष्ट्र हित में वोट डालो। लोगों का इतना अच्छा रुझान था कि हमारे गांव में कि सबका एक ही विचार था कि भाई मोदी जी को सभी लोग पसंद करते थे, मैं मोदी जी को डालेंगे। अब जी उनको ये बातें पता लग गए भाई ये आदमी जो है ये के नाम से बीजेपी का प्रचार कर रहा है, जी तो उन्होंने मुझे ही टारगेट बना लिया, मुझे टारगेट बना लिया। अब उन्होंने ये लगा कि ये आदमी बीजेपी का प्रचार, इसका ये भी कार्यकर्ता है, तो उस कार्यकर्ता के घर चले गए, उसको उसको धमकाने धमकाने के तो नहीं लेकिन उनको प्रलोभन पर दिया गया कि जी आपको देखो ये नुकसान हो जाएगा, आपको भविष्य में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आगे बोला कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो हम आपको नौकरी दिलाएंगे, उनको दबाने का जी काम किया। अब वो बेचारा के नाम से क्या करे बताओ, अब वो उसके घर पे चले गए, घर पे जाने के बाद के नाम उसको कह रहे हैं हुक्का पी रहा था, हुक्के पे हाथ रख दे, पानी का गिलास दे, बोले पानी का गिलास हाथ में पकड़ ले, कसम है तेरे को के नाम से इसमें दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे, चुनाव हम लड़ रहे हैं, हमें वोट देनी है आपको, ये जी उनको के नाम से कहा गया जी। तो मतलब लोगों के ऊपर फुल दबाव बनाया गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लोगों के ऊपर फुल दबाव बनाया गया है, लेकिन पेशक दबाव बना लो जी लुल्ला हीर से, कृष्णनगर से, फिर भी हमारी बीजेपी की 100% जीत है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, और जिसकी जीत बूथ के अंदर भी कुछ हुआ क्या? बूथ के अंदर इन्होंने क्या किया जी, बूथ के अंदर इन्होंने क्या किया कि दीपेंद्र हुड्डा का दो, हमारे पास दो बूथ थे, तो दो बूथ के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के सिर्फ दो ही के नाम से एजेंट बनने थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो निर्दलीय जो थे, उन निर्दलीय जो थे, उन निर्दलीय के जितने भी कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस के, उन्होंने निर्दलीय जो कैंडिडेट थे उनके ये बूथ एजेंट बन गए, जी, लेकिन 26-27 थे शायद कैंडिडेट तो। 26 हाँ जी 26-27 कैंडिडेट थे, तो इन्होंने सिर्फ खाली एक अरविंद शर्मा को छोड़ के और बाकी सभी जितने भी कैंडिडेट थे ना सबके बूथ एजेंट बन गए जी, और बूथ एजेंट बन गए जी, एक दो बूथ थे, दो बूथों पे ये 50 कैंडिडेट बैठे थे जी। अब 50 कैंडिडेट बैठे थे जी, वोट डालने के लिए जो भी आता था ना, वोट डालने के कोई भी कैंडिडेट आ गया वोट डालने के, तो उसको वही राम राम भाई साहब, राम राम जी भाई साहब, उनको ये याद दिला रहे कि हम आपको कसम दे रखी है, हम आपको कसम दे रखी है। अब एक दो आदमी बैठते तो दो आदमी तो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए उन्होंने क्या चाल चली कि जो 26-27 जो थे दीपेंद्र हुड्डा के दो कैंडिडेट, दो में एजेंट होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जो निर्दलीय जो जितने भी कैंडिडेट थे उनके सबके पर्चे ले रखे थे, बोला जी ये फलाना का, ये बोला जी ये, मैं बोला यार तब आप किसके एजेंट हो, बोला भाई मैं तो संजय का एजेंट हूँ,
मैंने बोला ये संजय कौन है, बोले संजय भी एक भाई लोकसभा का चुनाव लग रहा है, कोई वीरेंद्र बताया, कोई किसी का बन रहा है, कोई किसी, जिसका हमने पूरे लोकसभा चुनाव में कभी नाम भी नहीं सुना, और हमने उस दिन देखा कि उसके एजेंट बने हुए ये, तो एक ये भी चाल थी कि नाम से कोई जीतने ज्यादा एजेंट बूथ के ऊपर रहेंगे ना तो उतना लोगों पर प्रेशर डाल देंगे हम। अच्छा मतलब ये राजनीति को बुलाया भाई ये जी हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया जी, इतनी भीड़ कर रखी है, भीड़ कर रखी है, पुलिस प्रशासन आया बोला जी आप बाहर चलो, बोला जी हम तो एजेंट है, वह एजेंट किसके हो, अब एजेंट बदल जी हम तो इसके एजेंट है, दिखाया बोले जी इसके एजेंट है, अब वो कार्यकर्ता तो है के नाम से कांग्रेस का और वो एजेंट बन रहा है किसी और का, तो इसमें भी के नाम से वो पूरा कब्जा कर रखा था उन्होंने, 25-25-50 आदमी उनके के नाम से बिल्कुल अंदर है परमानेंटली, तो थे 25-25 हो गया बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की इन्होंने पूरी की, लेकिन हम भी अपने के नाम से वादे पे पक्का थे हमने करने दिया था ऐसा के नाम से, लेकिन बाहर लोगों को इन्होंने खूब टॉर्चर किया इन्होंने। गाँव में भी ऐसा ही रहा है कि जैसे सरपंच एक साइड रहे सारे और गांव है वो दूसरी साइड वोट करता रहा और बीच में इन लोगों ने दबाव बनाया। बिल्कुल जी मेरे गांव में चार चार सरपंच जी, चार सरपंच और जी के नाम से एक विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ कैंडिडेट और जी, और जो किसी अन्य पद पे कोई जिला के किसी पद पे कार्यरत है, कोई ब्लॉक पे कार्यरत है के नाम से, ये जो पूर्व में इन्होंने ये सब के नाम से मिला के हमारे गांव में 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो गांव में किसी न किसी पद पे रह चुके हैं। अच्छा वोट कितनी है आपके गांव में? उन्होंने है जी वोट कितनी है, वोट कितनी, वोटिंग कितनी हुई? वोट है जी मेरे गांव में 1980 वोटे है जी। अच्छा और पोलिंग कितनी हुई? पोलिंग हुई जी 1476 पोलिंग हुई जी। अच्छा तो 1476 में भी 8-8 नेता लगे हुए थे? 1476 वोट हुई जी, 1476 में भी 8-8 नेता मेरे गांव के, जो पूर्व सरपंच और जी प्रेजेंट सरपंच, पूर्व सरपंच और जी इनका जो पूर्व विधानसभा चुनाव लड़े हुए कैंडिडेट और जी आम आदमी पार्टी का जिला का प्रचारक जो था वो छोड़ के कांग्रेस में आ गया वो जी, और जी कोई बोर्ड का कोई के नाम जैसे अपने इसके जो मॉर्गेज बैंक के जो है उनका परिवार के जो भी मतलब बहुत कैंडिडेट लगे हुए थे के नाम से, और ने लोगों पे खूब प्रेशर डाला। 8-8 कैंडिडेट होने के बाद के नाम से जो ऐसे जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और जो किसी न किसी पद पे रह चुके हैं उन्होंने लोगों को के नाम से भाई प्रेशराइज किया के नाम से घर जाके। अच्छा दबाव लोगों को दबाव से कितना वोट पलटा होगा है जी? दबाव से कितना वोट दूसरी तरफ गया होगा? देखो जी इससे थोड़ा फर्क तो पड़ा है, क्योंकि फर्क इसलिए पड़ा है कि नाम से कि दबाव से कि लोग जो लोग समझदार थे जो हमेशा भाई कैंडिडेट जैसे आप लोगों से जुड़े हुए थे न्यूज से जुड़े हुए थे उनको तो पता है कि नाम से, लेकिन कई लोग ऐसे थे कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, उनको इन्होंने मोटलाइज कर दिया, उन्होंने इसको कर दिया कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, अभी आपके नाम से अगर जब बीजेपी को वोट दोगे तो आपका संविधान खतरे में है, आपका ये हो जाएगा, नुकसान ये हो जाएगा, आपको ये आपका आरक्षण बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। जो हमारे हरिजन भाई थे उनके साथ इन्होंने यही किया कि नाम से जी आप अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपका संविधान खतरे में है और उन्होंने आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी के नाम से, उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया के नाम से उन्होंने, और वो बताते हैं बाद में वोट गिरने से पहले भी उन्होंने बताया, वोट गिरने बाद भी उन्होंने बताया, बोला भाई हम मजबूर है, हम खुल के साथ नहीं आएंगे, लेकिन वोट डालेंगे बीजेपी को लेकिन खुल के साथ नहीं आ रहे, हमारी मजबूरी है। गांव में ऐसे कैंडिडेट हमारे पास बाद में आए शाम को, बोला जी हम मजबूर हैं कि हम आपके खुल के साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम बीजेपी की वोट डालेंगे लेकिन खुद के साथ नहीं दे पाएंगे खुल के, क्योंकि खुल के साथ देने के लिए हमें नुकसान है कि हमें प्रेशराइज कर दिया गया है जी। हाँ हमारे धंधा चौपट हो जाएगा के नाम से, भाई गांव का माहौल है और सरपंच पूर्व सरपंच भाई के नाम से भाई कल ना इनको कह दिया भाई किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, बोला भाई ये हमें फिर काम नहीं मिलेगा के नाम, इसलिए हम दाब में हैं, लेकिन हम आपको के नाम से वोट डालेंगे बीजेपी को ही, लेकिन हम प्रेशर में है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी आपका इस जानकारी के लिए। ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस, हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है, अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव,
अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान, लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, CLET, CAC, PT, NDA, सैनिक स्कूल और मिडिल स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास, जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।